हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मैग्नेट्रॉन को हम नियॉन बल्ब के साथ कैसे चेक करेंगे। तो अभी हमारे पास में आप जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, ये नियॉन बल्ब है और इसके थ्रू हम माइक्रोवेव के अंदर मैग्नेट्रॉन को चेक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक टास्क रहेगा कि इस नियॉन बल्ब को कैसे अरेंज करें। तो मैं कुछ आपको आइडिया देता हूँ। इसमें हम नियॉन बल्ब सबसे पहले गीज़र की जो वायरिंग होती है, गीज़र में जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके थ्रू अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने 5-6 लैंप हैं, नियॉन बल्ब हैं इसके अंदर। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसको प्रेस करके प्लायर के थ्रू। इसमें छोटे छोटे नियॉन बल्ब होते हैं, जैसा कि अभी एक डैमेज हो चुका है और इससे निकल नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी दूसरा लैम्प चेक करता हूँ। सेम उसी तरीके से दूसरे लैम्प को भी प्रेस करूँगा, क्योंकि ये सील्ड होता है। अब इसको प्रेस कर दिया, अब इसको मैं बाहर की तरफ रिमूव करूँगा। तो इस तरीके से ये सामने देख रहे हैं, ये नियॉन बल्ब मुझे मिल गया। इसमें अभी मेरे पास में गीज़र की वायरिंग थी, इस वजह से गीज़र से मुझे ये मिल गया। लेकिन अगर फील्ड पे आपको नहीं मिलता है तो आपने देखा होगा जो हमारे सामने पावर बोर्ड होता है, पावर बोर्ड के अंदर एक लाइट इंडिकेटर होता है रेड कलर का, उसके अंदर भी इसी तरीके का नियॉन बल्ब होता है। और सेम ऐसे ही हमारे पास में जो टेस्टर होता है, उस टेस्टर के अंदर भी आपको नियॉन बल्ब मिलेगा। तो आप कहीं से भी इस नियॉन बल्ब को अरेंज कर सकते हैं। और ये नियॉन बल्ब आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है, 3 से 4 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से 4-5 नियॉन बल्ब आप अरेंज कर लीजिए। और ये अलग अलग कलर में भी आता है, जैसा कि अभी मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ सारे लैम्प को, तो इसमें रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, अलग अलग कलर का ये मिलेगा। तो हर लैम्प को ओपन करके वहाँ से हम नियॉन बल्ब को अंदर को से निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस को हटा रहे हैं। तो इसको रिमूव करके सारा सेग्रीगेट कर लेंगे, ओनली नियॉन बल्ब को रखेंगे। जैसे ही हमारे पास 4-5 नियॉन बल्ब हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको माइक्रोवेव के अंदर रख के मैग्नेट्रॉन को चेक कर सकते हैं। तो ये सारे लैम्प को एक एक करके हम ओपन करेंगे और इसके अंदर से नियॉन बल्ब निकालेंगे। और आप चाहें तो इसको मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी है। नहीं तो गीज़र की वायरिंग से, या फिर घर में जो लाइट लगी होती है उसके अंदर जो इंडिकेटर होता है रेड कलर का, उसके अंदर भी नियॉन बल्ब होता है, उससे आप अरेंज कर सकते हैं। या फिर जो टेस्टर होता है हमारे पास में, उस टेस्टर के अंदर भी नियॉन बल्ब लगा होता है। तो 3-4 जगह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सोर्स मैंने आपको बता दिया है, जो कि बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने 4-5 बल्ब अरेंज किए थे, क्योंकि इसमें से कुछ ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ डैमेज भी हो सकते हैं। तो जिसमें से 4 या 5 नियॉन बल्ब मुझे मिल जाएंगे आसानी से। एक एक करके मैंने उसको अरेंज कर लिया है। जैसा कि अभी ये दूसरे कलर का हो सकता है, शायद ये ग्रीन कलर का है, बाकी सारे रेड थे। तो इस तरीके से ये जितने भी थे, ये दूसरा, तीसरा और 3-4 ऐसे ये बल्ब अरेंज कर लिए हैं। 2 ख़राब हो गए थे, 4 ही बल्ब मिले। अब माइक्रोवेव को ओपन करेंगे डोर को, और इसको अंदर एक एक करके फैला देंगे, जिससे कि मुझे लाइट दिखती रहे। फिर उसके बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये लैम्प ग्लो होने लगे। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैम्प ग्लो हो रहे हैं, ज़्यादातर इसमें रेड कलर के हैं तो रेड ग्लो कर रहा है, और एक ग्रीन कलर का भी होगा। कोशिश करता हूँ जूम कर, बीच में देखिए ग्रीन कलर भी मिल रहा है, तो इसमें ग्रीन कलर भी। तो अगर ये लैम्प ग्लो कर रहे हैं, दैट मीन्स मैग्नेट्रॉन सही है। अगर लैम्प ग्लो नहीं कर रहा है तो मैग्नेट्रॉन ख़राब है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके मैं आपको नई वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।